मनाली टाउन का, जैसे मैंने बताया था ये काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है, खूबसूरत व्यू, पहाड़ों में बादल हैं हल्के हल्के, तो मन बिल्कुल तरोताज़ा हो गया है, रिफ्रेश हो गया है यहाँ आने के बाद। ये सेब अभी हल्के हल्के लाल होने चालू हो गए हैं, चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे ना, ये सारे लाइन से इस तरफ ये सेब के पेड़ हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सेब की खेती होती है। ऊपर बादल तर रहे हैं हल्के हल्के, तो ये रास्ता जाता है इस तरफ, और इन खूबसूरत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को वादियों को देखना। यहाँ भी कैफे हैं, होम स्टे हैं, म्यूजिक बज रही है, लाइटें जली हुई हैं, शाम हो गया है, तो धीरे धीरे लोग गांव वाले गाय को वापस ले जा रहे हैं। ये जगह विदेशी पर्यटक के बीच में काफ़ी फेमस है, ओल्ड मनाली और साथ ही साथ वशिष्ठ भी काफ़ी अच्छा लग रहा है सब। ऊपर थर्मस के ऊपर ये डिज़ाइन है, बिल्कुल खाली सुनसान, ऐसा शायद कोविड के टाइम में देखने को मिला था, कोरोना का ओपन व्यू है यहाँ से। सामने वो दूर नदी बहती है, ब्यास नदी, और बादल देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तो जर्नी में आपका स्वागत है। मनाली की खूबसूरती एक अपने जगह है, प्राकृतिक सुंदरता, डलहौजी जाएंगे हिमाचल में उसकी अपनी खूबसूरती है, चंबा वैली की, शिमला की तरफ जाएंगे अपनी है, लाहौल वैली की अलग है, हरियाली भी मिलेगी, स्पीति जाएंगे बिल्कुल बैरन लैंड मिलेगा, तो सब जगह की अपनी अपनी खूबसूरती है, अपनी अपनी पहचान है हिमाचल में। तो मैं हूँ अभी ओल्ड मनाली के पास, और मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत मनालसू नदी बह रही है, तो शाम का टाइम है तो सोचा रिलैक्स हुआ जाए और थोड़ा घूमा जाए ओल्ड मनाली को। ओल्ड मनाली का ये जगह प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, नीचे बह रही है ये मनालसू नदी, ऊपर की तरफ से आती है और यहीं से ओल्ड मनाली का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ब्रिज के नदी के उस तरफ वाला एरिया कहलाता है ओल्ड मनाली, तो यहीं से मार्केट लगने चालू हो जाते हैं, इस तरह के बाइक्स यहाँ काफ़ी मिलते हैं, और स्कूटी रेंट पे लेना है तो आसानी से लिया जा सकता है। स्पा, हर्बल टच स्पा, ये आपको बहुत मिल जाएंगे मनाली में देखने के लिए, कहीं पर भी जाओगे। आयुर्वेदिक मसाज काफ़ी फेमस हो रखा है, पॉपुलर हो रखा है। ये है ओल्ड मनाली का ब्रिज, इस तरफ से भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा पानी है इस नदी में, देखेंगे तो एकदम बहुत ज़्यादा है, और ये सामने से बहते हुए उस तरफ से आती है, तो नदी के क्रॉस करने के लिए हमें ये इस ब्रिज को क्रॉस करना होगा। ओल्ड मनाली में ना इस तरह के नदी के किनारे बहुत ही बढ़िया कैफ़े और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जिसमें आप बैठकर रिवर का व्यू ले सकते हैं और फूड भी इंजॉय कर सकते हैं। ब्रिज क्रॉस करने के बाद ये लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता ले लेंगे, तो इधर जो गांव है, एक्चुअल गांव मनाली का ना, ओल्ड मनाली का, तो वो इसी तरफ देखने को मिलता है। रोड के बगल में तो सारे कैफ़े हैं, ढाबे हैं, होटलें हैं, बेकरी हैं, इसी तरह का है। हल्के हल्के म्यूजिक बजते रहती है इस तरफ, तो नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी होती है ओल्ड मनाली की। ज़्यादातर विदेशी पर्यटक रुकते हैं, इसीलिए फॉरनर्स सब यहाँ पर टूरिस्ट, इसलिए नाइट लाइफ अच्छी होती है, म्यूजिक बजते रहते हैं, गाने बजते रहते हैं, कैफ़े ज़्यादा देर रात तक खुले रहते हैं। वो सामने उस तरफ कैफ़े एवरग्रीन काफ़ी फेमस है, बेकरी भी है, वो भी काफ़ी पॉपुलर है। सामने ये ऊंचे ऊंचे माउंटेन जो बादलों से हल्के हल्के घिरे हुए हैं, ये छोटे छोटे दुकान मिल जाएंगे इस तरफ, किराना स्टोर भी है, सब्जी भाजी की है, डायल एंड टोस्टर एंड रोस्टेड कैफ़े है, काफ़ी पुराना है इस तरफ, और इधर सुविनियर की दुकान है, कुछ भी आइटम खरीदना हो यहाँ पर यादगार बनाने के लिए तो खरीद सकते हैं। बिल्कुल शांत शांत है, क्योंकि कोई तो है नहीं, भीड़ है नहीं टूरिस्ट की, बिल्कुल शांत शांत है। ये टी शर्ट देखिए इस तरह का बना हुआ है, तो ये काफ़ी पॉपुलर होते हैं यहाँ पर, खासकर विदेशी पर्यटक के बीच में इन सब टी शर्ट को परचेज करने के लिए। शाम का मौसम है, पहाड़ों में तो अच्छा खासा बादल छा रखा है, तो पहाड़ों का एटमोसफेयर तो काफ़ी अच्छा रखा है, हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही है, तो चल भी रहे हैं ना, जैसे चढ़ाई है चल रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल फ्रेशनेस फील हो रहा है, कोई भी थकावट
फील नहीं हो रहा है। जैसा मैं बोल ही रहा था, ओल्ड मनाली फेमस है कैफ़े के लिए। बिला वाइब म्यूजिक बज रहे हैं और ये कैफ़े ओपन हो चुका है। शाम के टाइम में ज़्यादातर ये यहाँ के कैफ़े 2-3 बजे के बाद ही ओपन होते हैं और लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। जैसा मैं बता रहा था ना, ये जगह विदेशी पर्यटक के बीच में काफ़ी फेमस है। तो ओल्ड मनाली और साथ ही साथ वशिष्ठ भी काफ़ी देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। कितने प्यारे खूबसूरत सब ये सब रख रखे हैं यहाँ पर। कभी ख़रीदना हो तो यहाँ पर एक प्लेटें हैं, एक गिलास हैं, ये सब बना हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा है। सब ऊपर थर्मस के ऊपर ये डिज़ाइनें, ये सब सारी, ये इधर लेदर के पर्स, इधर ये सब थालियाँ। इधर भी लेदर जैकेट, बेल्ट, पर्स, इधर भी उसी का दुकान है इस तरफ। तो इसके आसपास सारी इसी तरह के शॉप्स हैं। फिलहाल तो भीड़ नहीं है, कुछ भी लोग ही नहीं है, सब बिल्कुल खाली है, बिल्कुल सुनसान। इस तरह के पजामास और शर्ट्स भी मिल जाएंगे। उधर सॉक्स हैं अच्छे खासे उस तरफ। ये रास्ता काफ़ी तंग है, मतलब एक गाड़ियाँ जा सकती है, दूसरे तरफ से गाड़ियाँ आए वो फिर फंस जाएगी। रोमा हर्बल स्पा, इधर भी ये कैफे है, ओपन का साइन है, लेकिन रस कुछ भी नहीं है, भीड़ कुछ भी नहीं है। ये है एडवेंचर करने के लिए बुकिंग ऑफिस, कहीं जाना हो ट्रैकिंग पे, राफ्टिंग पे, ये किसी दूसरी एक्टिविटी पे। और इधर पर्यटक सब, फॉरनर जो मैंने बता रखा था, सारी दुकानें इधर, कुछ वेजिटेबल शॉप्स, दुकानें खुली हैं, म्यूजिक बज रहे हैं, लेकिन लोग गायब हैं, भीड़ है ही नहीं, सब खाली है। इक्का दुक्का जो है विदेशी पर्यटक वही दिखाई दे रहे हैं और बाकी तो इंडियन तो सिर्फ नाम मात्र के हैं। ये जगह है ना मनाली टाउन से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित है, तो यहाँ पर इसलिए हवाएं अच्छी चलती है कंपेयर टू मनाली के पास जाएंगे तो। और यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है चारों तरफ का। तो एक्चुअल मनाली गांव यही वाला है जो पुराना मनाली कहलाता है। हिप्पी हेड हाउस कैफ़े, यहाँ भी कैफ़े हैं, होम स्टे हैं, म्यूजिक बज रही है, लाइटें जली हुई हैं, घर भी म्यूजिक बज रहा है, चल रहा है, लेकिन मार्केट बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। यही रस रहता, अच्छे खासे लोग रहते, बहुत ही अच्छा वाइब होता। यहाँ पहुँचने पर टॉप पर पहुँच गए और यहाँ से फिर व्यू देखिए पूरे मनाली टाउन का। जैसे मैंने बताया था ये काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है, खूबसूरत व्यू। पहाड़ों में बादल हैं हल्के हल्के, नीचे ये खूबसूरत, नीचे ये इधर का मनाली टाउन, इस तरफ का, और दूर देखेंगे तो उस तरफ हल्की हल्की बादल भी है। तो मौसम सुहावना हो रखा है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। घर देखिए, पुराने घर भी बने हैं, नए घर भी बने हैं। तो यहाँ से मनाली का नज़ारा है ना बेहद खूबसूरत दिखता है। पहाड़ क्या है ना बादल में ढक रखे हैं, नहीं तो और भी बेहद खूबसूरत दिखाई देते यहाँ से। हल्की हल्की ठंडा हवाई चल रही है तो मन बिल्कुल तरोताज़ा हो गया है, रिफ्रेश हो गया है यहाँ आने के बाद। जब भी समय मिलता है, मौका मिलता है, बहुत सारे जगह हैं, कहीं भी चले जाइए घूमने के लिए मनाली में, क्योंकि मनाली की खूबसूरती, ऐसी खूबसूरती जैसी मनाली में है वैसी नहीं मिलेगी दूसरी जगह की। अपनी खूबसूरती है और मनाली का एक अलग ही लेवल है। ये पहुंच गए मनाली के डेड एंड पे, मतलब ओल्ड मनाली के, और यहाँ से देखिए क्या ब्यूटीफुल नज़ारा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल खुला खुला। जब भी समय मिलता है ना तो यहीं पर आता हूँ, यहीं पर बैठिए, उधर खुला काफ़ी स्पेस है,
बैठिए और निहारते रहिए आधे घंटे एक घंटे तक, और रिलैक्स होकर फिर वापस जाइए। और इधर कैफ़े हैं, कुछ खाना पीना हो तो कैफ़े में भी बैठ कर यहाँ पर आप टाइम अच्छा खासा बिता सकते हैं। और ये सामने इस तरह ये सेब के पेड़ हैं, तो सेब भी लाल होना चालू हो गए हैं, तो इसको भी इंजॉय करना है तो सेब खाते हुए तो सुनहरे पल को अच्छी तरह निहार सकते हैं। तो बारिश हल्की हल्की थी, फिर तेज़ हो गई, तो बगल में एक रॉकी कैफ़े है ना, वहीं पर आ गया मैं। यहाँ पर सोचा चाय कॉफ़ी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, तो गरम गरम मसाला चाय का ऑर्डर दिया है। चाय पियेंगे और इस ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय करेंगे। ये अच्छा खासा कैफ़े बना हुआ, अब तो कंक्रीट का डाल दिया, पहले तो ये बिना कंक्रीट का था, लेकिन फिर भी यहाँ से व्यू देखेंगे ना तो इस तरफ के काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे। इधर तो बिल्कुल ओपन है, कुछ भी नहीं है, बारिश चालू हो गई हल्की हल्की इस तरफ, और नीचे दूर तक जहाँ तक नज़र जाएगा ना उस तरफ बिल्कुल ओपन व्यू है, यहाँ से खुला खुला सामने वो दूर नदी बहती है ब्यास नदी, और बादल देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं इन माउंटेन पे, और हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है। ये गर्मा गर्म मसाला चाय आ गया है, तो इंजॉय करते हैं। बारिश भी हो रही हल्की हल्की और म्यूजिक भी धीमे धीमे यहाँ पर बज रहा है। शाम हो गया है तो धीरे धीरे लोग गांव वाले गाय को वापस ले जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो बारिश रुक गई है, हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो ज्यादा देर हुई नहीं, आधे घंटे के आसपास हुआ होगा। उस बीच में मैंने मसाला चाय एंजॉय किया और कुछ तब तक कुछ काम कर रहा था मोबाइल पे। अब यहाँ से चलते हैं ओल्ड मनाली थोड़े गांव की तरफ। आगे जाऊंगा ना तो आगे ढेर सारे खूब सारे सेब के बागीचे हैं। ये ओल्ड मनाली गांव का पिछला हिस्सा है, मेन गांव थोड़ा राइट हैंड साइड जाएंगे अंदर की तरफ है, तो इसी तरह के पुराने पुराने घर मिलेंगे ओल्ड मनाली में जो हिमाचल स्टाइल के बने हुए रहते हैं। तो टहलते टहलते इस तरफ आ गया बाहर की तरफ, तो ओल्ड मनाली गांव के पीछे है ना सारे सेब के बागीचे ही मिलेंगे, क्योंकि यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर सेब की खेती की जाती है। ये सेब अभी हल्के हल्के लाल होने चालू हो गए हैं, तो ये अभी टाइम लगेगा इसे एक डेढ़ महीने बिल्कुल अच्छी तरह ये लाल होने में, तो ये रेड गाला वेराइटी कहलाता है। इस तरफ चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे ना, ये सारे लाइन से इस तरफ ये सेब के पेड़ हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सेब की खेती होती है कुल्लू ज़िला में, और एक सेब में लगभग 200 से 250 किलो के आसपास फल लगते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं गांव वाले इसी तरह के टोकरियों में सामान ढोते हैं जो भी है खेती बाड़ी के, और काम करते हैं। जितने भी बागीचे दिखाई दे रहे हैं ना सारे सेब के ही बागीचे हैं। तो टहलते हुए इस तरफ आगे की तरफ जा रहे हैं, इधर भी नज़र डालिएगा सेब के पेड़ हैं, इधर इस तरफ ऊपर बादल तैर रहे हैं हल्के हल्के, तो ये रास्ता जाता है इस तरफ नीचे की तरफ। तो इधर आप खुले में आता हूँ जब भी समय मिलता है, और इन खूबसूरत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को वादियों को देखना, उधर दूर पहाड़ों में काफ़ी खूबसूरत बादल बन रहे हैं उधर, तो नज़ारे देखिए यहाँ से बेहद ज़बरदस्त खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो मैं पहुंच गया हूं अभी मनाली के माल रोड, तो थोड़ा बहुत शॉपिंग करना था। मैं तो माल रोड से मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पर रहता हूं,
न्यू मनाली में। तो बारिश स्टार्ट हुई है तो सबकी तबीयत ख़राब चालू हो गई है, खांसी और सर्दी सबको होना चालू हो गया है। तो सोचा यहाँ से कुछ दवाई लेते चलूँ। तो माल रोड तो बिल्कुल खाली खाली है, भीड़ भी नहीं है, बिल्कुल खाली सुनसान। ऐसा शायद कोविड के टाइम में देखने को मिला था, कोरोना के टाइम में, उसके बाद तो देखने को नहीं मिला ऐसा पहले कभी। तो बिल्कुल बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी, ज़्यादा नहीं है, इसलिए बिल्कुल सुनसान है। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करते रहूँगा अपने इस चैनल पर। तो इस चैनल पे बने रहें।